हेलो भाई, वहाँ के टीवीएस रेडर ने तो कमाल ही कर दिया भाई। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। आज वाले वीडियो में अपन टीवीएस की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल वाइज पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे, साथ ही उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, हर चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। इसलिए फिर से बोलना चाहूंगा, स्किप मत करना, एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है। टीवीएस ने नवंबर के महीने में टोटल 287,017 गाड़ी को बेचा है इंडियन मार्केट में, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 344,957 यूनिट का था, मतलब 57,940 गाड़ियां कम बिके पिछले महीने के मुकाबले इस महीने टीवीएस की। अभी जो मैंने आपको ये 287,017 यूनिट का आंकड़ा बताया, इसमें कौन कौन सा मॉडल कितना बिका है वही जानेंगे इस वाले वीडियो में। तो 13th नंबर पे आई है इनकी पैप्लस, अभी BS6 फेस 2 में इसको लॉन्च नहीं करा गया है भाई, शायद बंद कर दे टीवीएस। नवंबर के महीने में इसकी 0 यूनिट बिकी है, अक्टूबर में भी 0 यूनिट ही बिका था, मतलब 2-3 महीनों से ये बिल्कुल भी नहीं बिक रही है। टीवीएस वालों के पास इसका स्टॉक ही नहीं है तो कहाँ से बिकेगी। ये गाड़ी 84,757 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। ये गाड़ी मेरे को बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगती भाई इतने प्राइस पॉइंट में। 70,000 तक ऑन रोड आता ना तो फिर ठीक था। 5.36 BHP का पावर इसमें मात्र मिलता है, जबकि 6.5 Nm का टॉर्क मिलता है, 48 KMPL का माइलेज, 93 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 66 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिलता है मात्र। बाकी 13th नंबर पे आई है अपाची 310 सीरीज, यहाँ पे अपने को अब दो प्रोडक्ट मिलने लगे हैं, RR310 और RTR310, दोनों कंबाइन 693 यूनिट बिके नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 1049 यूनिट बिके थी। 356 गाड़ियाँ कम बिकी है अपाची 310 सीरीज की। अगर आप RTR310 लेना चाहते हो तो वो आपको 280,000 तक मिल जाएगी ऑन रोड। पावर अगर उसमें मिलता है 35.08 BHP का, टॉर्क मिलता है 28.7 Nm का, 30 KMPL का माइलेज, 169 kg का कर्वेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 150 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 11th नंबर पे आइए रॉनिन, लोगों की धड़कन तो नहीं बोलेंगे लेकिन मेरी धड़कन ये गाड़ी जरूर है। नवंबर के महीने में 2107 यूनिट बिकी इसकी मात्र, जबकि अक्टूबर में 2620 यूनिट बिकी थी, मतलब 553 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने रॉनिन की। ये आपको 1.75 तक मिल जाती है, बेस वेरिएंट है, 20.1 BHP का पावर, 19.93 Nm का टॉर्क, 42 KMPL का माइलेज, 159 kg का कर्वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 120 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी 10th नंबर पे आई है स्टार सिटी प्लस, ये 110 cc गाड़ी है भाई, नवंबर के महीने में इसकी मात्र 4125 यूनिट बिकी है भाई, जबकि अक्टूबर में 5784 यूनिट बिकी थी, मतलब 1659 गाड़ियां कम बिकी है स्टार सिटी प्लस की। ये आपको 86,854 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड है। 8.08 BHP का पावर मिलता है, 8.7 Nm का टॉर्क मिलता है, 68 KMPL का माइलेज, 115 kg का कर्वेट, 9 कलर ऑप्शन, बाकी 90 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी 9th नंबर पे आइए जेस्ट, ये भी 110 cc की है स्कूटर है भाई, इसकी नवंबर में 7922 यूनिट बिकी, जबकि अक्टूबर में 7410 यूनिट बिकी थी, 512 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जेस्ट की। ये गाड़ी आपको 90,000 तक ऑन रोड मिल जाया करती है भाई, मैंने आज तक इसको शोरूम में नहीं देखा यार, हमारे यहाँ ये आती नहीं है। 7.21 BHP का पावर, 8.8 Nm का टॉर्क, 45 KMPL का माइलेज, 103 kg का कर्वेट, 1 कलर ऑप्शन, बाकी 80 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी 8th नंबर पे आई है स्प्लेंडर की जानी दुश्मन रेडियोन, इसकी नवंबर में 10,720 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जबकि अक्टूबर में 16,977 यूनिट बिकी थी, मतलब 6257 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने टीवीएस की रेडियोन। ये गाड़ी 87,000 तक ऑन रोड आ जाया करती है बेस वेरिएंट के साथ, 8.08 BHP का पावर, 8.7 Nm का टॉर्क, 65 KMPL का माइलेज, 113 kg का कर्वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 90 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। स्प्लेंडर से ये गाड़ी लाख गुना बढ़िया है, लेकिन वही बात है ना, नामी बनिया का बिकता है तो वही बिक रहा है स्प्लेंडर। खैर 7th नंबर पे आई है iQube, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है भाई, इसकी नवंबर में 16,702 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 20,121 यूनिट बिकी थी, मतलब 3419 गाड़ियां कम बिकी है iQube की। ये आपको 155,600 रुपए के एक शोरूम प्राइस में मिलती है, बेस वेरिएंट है भाई साहब, बेस वेरिएंट 155,600 में, वो भी एक शोरूम भाई, कितनी महंगी हो गई यार, इसीलिए तो कम बिक रही है, कहाँ 20,000 बिकी थी अब 16,000 बिकी है। खैर 4,000 वॉट का इसमें पावर मिलता है, 100 किलोमीटर का ही रेंज मिलता है भाई मात्र, फिर भी इतना पैसा। खैर 117 kg इसका कर्वेट है, 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 78 KMPH का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे आइए स्पोर्ट,
माइलेज की किंग। इसकी 17,157 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 24,864 यूनिट बिकी थी। मतलब 7,707 गाड़ियां इसकी भी कम बिकी है। इसका भी वही हाल है यार, इतनी सस्ती है फिर भी ये गाड़ी 72,000 तक ऑन रोड आ जाए करती है भाई। इसमें पावर मिलता है 8.18 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.7 nm का, 69 kmpl का माइलेज, 110 kg का कर्वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी फिफ्थ नंबर पे आई है एंटॉर्क, 30,396 यूनिट बिकी इसकी, जबकि अक्टूबर में 34,476 यूनिट बिकी थी। 4,080 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने एंटॉर्क की। ये आपको 1,14,134 रुपए के ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है। पावर वगैरह इसमें मिलता है 9.25 bhp का, टॉर्क मिलता है 10.5 nm का, 42 kmpl का माइलेज, 118 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 95 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। आप मानो चाहे ना मानो भाई, ये गाड़ी भाई इतना के अराउंड बिकी जाती है। मार्केट खराब रहे बढ़िया रहे, इसको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप मेरे को फॉलो करते होगे ना तो आपको पता होगा। खैर, फोर्थ नंबर पे आई है रेडर, जिसका अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। ये गाड़ी 39,829 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 47,483 यूनिट बिकी थी। मतलब 7,654 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने TVS रेडर की। अब देखो, कम बिकी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये गाड़ी 40,000 से लेके 50,000 के बीच में हर महीने ये बिक जा रही है भाई। समझ रहे हो आप मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मतलब मामूली बात नहीं है यार, 125cc गाड़ी इतना एक्सपेंसिव होते हुए भी इतना बिक जाना बहुत बड़ी बात है मेरे नजर में। खैर, रेडर आपको 1,11,443 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड। 11.2 bhp का पावर, 11.2 nm का टॉर्क, 57 kmpl का माइलेज, 123 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 99 kmph का टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है, लेकिन लोग बाग तो 120 तक भी भगा देते हैं। बाकी थर्ड नंबर पे आइए अपाची सीरीज, बड़ी वाली अपाची का तो मैंने पहले ही सेल्स बता दिए। यहाँ पे 160, 180 और 200 का सेल्स जानेंगे। सबकी कंबाइन 41,025 यूनिट बिके नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में आंकड़ा 39,187 यूनिट का था। मतलब 1,838 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने अपाची सीरीज की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अपन अपाची RTR 162E के बारे में जान लेते हैं। 1,43,249 रुपए से मिलना वो शुरू हो जाती है। 15.82 bhp का पावर, 13.85 nm का टॉर्क, 45 kmpl का माइलेज, 137 kg का कर्वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 107 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी सेकंड नंबर पे आई है इनकी मुपेड XL100, इसकी 43,482 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 53,162 यूनिट बिकी थी। मतलब 9,680 गाड़ियाँ कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने XL100 की। ये गाड़ी भाई आज के डेट में छोटे शहर हो या फिर बड़े शहर हो, हर जगह पसंद किया जाता है। अगर आप इसमें हैवी ड्यूटी वाला मॉडल लेते हो तो वो थोड़ा सस्ते में आ जाती है, लेकिन कंफर्ट वाला लेते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाती है भाई। कंफर्ट वाले की बात करेंगे, यहाँ पे 57,217 रुपए से वो मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह मिलता है 4.3 bhp का, टॉर्क मिलता है 6.5 nm का, 58 kmpl का माइलेज, 86 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 58 से 60 के बीच में आपको टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर वन पे आइए इनकी जुपिटर सीरीज, हमेशा की तरह यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जुपिटर 110 और जुपिटर 125। दोनों कंबाइन 72,859 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जबकि अक्टूबर में आंकड़ा 91,824 यूनिट का था। मतलब 18,965 गाड़ियां कम बिकी है जुपिटर सीरीज की। इसका भी वही हाल है, हालांकि खराब सेल नहीं हुआ है भाई। अगर आप जुपिटर 125 लेना चाहते हो तो लगभग आपको 99,723 रुपए देना पड़ेगा TVS वालों को बेस वेरिएंट के लिए ऑन रोड। 8.04 bhp का पावर, 10.5 nm का टॉर्क, 50 kmpl का माइलेज, 108 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 95 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई TVS की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया मॉडल वाइज। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।